नमस्कार 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 एंड जय हिंद मेरे साथियों। और कैसे हैं? बढ़िया सर, मेरे को आपसे मिलने आया था। उससे मिलने आए थे भाई? क्यों सर? बस कुछ जानकारियां चाहिए थी। मैं बोला ऐसे अभी खाली हूँ तो सोचा सर तिवारी सर से मिल लूँ जाके। क्या जानकारी चाहिए सर? आपको ये बताइए कि जैसे मैं गाड़ी पे चलता हूँ है ना, कहीं बाहर जाता हूँ। ये बाइक है आपकी? ये मोटरसाइकिल है। तो ये जानकारी चाहिए मुझे, जैसे अगर मैं कहीं जाता हूँ तो क्या मैं मतलब ओरिजिनल कागज मुझे क्या क्या रखने चाहिए गाड़ी में? देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना आप सभी के लिए कि ये जैसे ये आप देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है हेलमेट लगा के चलेंगे। आप हेलमेट कहाँ है आपका? अरे मैं बस ऑफिस में रखा है, मैं सबसे से मिलने आया था। चलिए ठीक है, तो लगाते हो ना? लगाते। ठीक है, तो हेलमेट लगा के ही चलना है, जब भी चलना है टू व्हीलर पे तो हेलमेट लगा के चलना है। और आपके पीछे जो बैठते हैं ना उनको भी बहुत ज़रूरी है, दोनों लोगों को हेलमेट ज़रूरी है। और गाड़ी पे हमको कोई भी मॉडिफाइड वाला काम नहीं करना है। अभी हम डॉक्यूमेंट पे भी आएंगे दोस्तों, मैं आप सभी को आज ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या गाड़ी पे कागज लेके चलना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। मैं आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको पूरे देश में कहीं भी कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ के चालान नहीं करेगी अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो। तो आप सबसे पहले ये नंबर देख सकते हो, नंबर प्लेट ये है HSRP, नंबर प्लेट्स है ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये कहलाती है HSR। ये ऐसे इस टाइप का अगर आपने नंबर लिखवाया हुआ है तो एकदम बिल्कुल सही है। और अक्सर देखने में आता है कि लोग टू व्हीलर में आगे तरफ नंबर ही नहीं लिखवाते, उसमें जय माता दी, जय श्री राम, ओम साईं राम, भाई जान, खान साहब, क्योंकि इस तरीके की बातें अक्सर देखने में आती है। तो ये मैं आपसे हकीकत बताऊं, ये ज़्यादा मैंने देखा, अनुभव किया है कि लोग आगे नंबर लिखवाना बहुत ज़रूरी नहीं समझते, जबकि बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पीछे नंबर लिखवाना है उतना ही ज़रूरी आगे भी नंबर लिखवाना होता है। तो ये तो हो गई आपकी रूपरेखा, ये तो मोटरसाइकिल में है, आप दो पहिया वाहन में है तो ये तो आपकी होना चाहिए। हेलमेट वगैरह तो आप कुछ लेके लगा के चलने ही हैं। पेपर्स क्या क्या हैं तो आइए पेपर्स की बात करें हम। तो सबसे पहले है आपका RC होना चाहिए, सबसे पहले RC होना चाहिए आपका उस गाड़ी पे, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए आपका, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपका है पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो गाड़ी चला रहे हो उस गाड़ी के लिए आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी चीज PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, एक्चुअली वो क्या है PUCC, मतलब कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर एक साल से ऊपर की आपकी गाड़ी हो गई है तो एक साल के ऊपर की गाड़ी में आपका ये सर्टिफिकेट बनता है, मतलब कि वो देखा जाता है कि आपके इससे प्रदूषण तो नहीं उत्सर्जित हो रहा है, तो उत्सर्जन केंद्र बने रहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो ये आपको PUC बना के देता है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, RC पहली बात है, दूसरा आपका है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है PUC और चौथा है आपका इंश्योरेंस, गाड़ी का बीमा। ये चार चीज़ें हैं, ये की पॉइंट्स हैं आपके। अब इंश्योरेंस जो है आपका कैसा होना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाया है इंश्योरेंस से रिलेटेड, भी मैंने एक वीडियो आपसे बताएं अभी बनाया है मैंने वीडियो, और उसमें बीमा के बारे में मैं पूरी तरीके से बताया हूँ लोगों को। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, आपसे क्या नाम बताए आप अपना? विजय दाहिया। विजय जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ मेरे बीमा वाला जो है वीडियो वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें स्पेशली बताया है कि जो फर्स्ट पार्टी बीमा है वो साल भर बाद जब नई गाड़ी होती है, अपन नई गाड़ी खरीदते हैं, अक्सर क्या है कि जब गाड़ी खरीदते हैं वहीं से लोग बोल देते हैं 5 साल का बीमा है आपका। तो जो समझदार है, जागरूक है और जानता है बीमा कंपनी के बारे में, बीमा के बारे में, वो तो एक साल बाद उस बीमा को क्या कराता है, रिन्यू करा देता है, फर्स्ट पार्टी का जाके रिन्यू कराता है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, आपसे हकीकत बताएं विजय जी, तो वो लगभग 5 साल तक यही सोच के रहता है कि मेरे पास तो बीमा है,
उससे क्या है, पुलिस क्या है, पुलिस से आप बच जाओगे, थर्ड पार्टी बीमा भी रहेगा आपके पास तो आप पुलिस से बच जाओगे, है ना। पुलिस को तो बीमा से मतलब है, बीमा में अब ये चीज़ें नहीं दी गई है कि आप फर्स्ट पार्टी है कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है, तो ये चीज़ें जो है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थर्ड पार्टी के साथ साथ फर्स्ट पार्टी भी बीमा आपका होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे आप। और ये तो चार पेपर मैंने बता दिया आपको, क्या क्या है इसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना चाहिए मैंने बताया है, मतलब कि वैलिड होना चाहिए लर्नर लाइसेंस, कि आप सिंगल टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर सकते हो। अगर आपको लर्नर लाइसेंस पे बाइक चलाना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था फोर व्हीलर का लर्नर लाइसेंस से रिलेटेड, आप लोग देखिएगा उसको प्लीज़। और मैं बता भी देता हूँ कि एल मार्क होगा बाइक के आगे तरफ भी और पीछे तरफ, रेड कलर से एल मार्क होगा, और पीछे जो आप बैठाओगे जिसको उसके पास वैलिड लाइसेंस होगा। जैसे फोर व्हीलर में बगल में बैठाते हैं हम, तो वैसे ही टू व्हीलर में हम पीछे बैठाते हैं जो जिसके पास वैलिड लाइसेंस होता है। तो ये तो अपने डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्स को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ओरिजिनल लेके चलिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इनके जीरोक्स कॉपी लेके चलिए हमेशा, आप इनको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, एक डिजी लॉकर हो गया, चाहे एम परिवहन में रख सकते हैं आप, तो आप इनको रख सकते हैं। कई लोगों में ये क्वेश्चन पूछे हैं लोग कि डिजी लॉकर में क्या रख सकते हैं सर, तो बिल्कुल रख सकते हो आप। एम परिवहन में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी हार्ड कॉपी लेके चलें, लेकिन कब ज़रूरत पड़ती है, कब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपसे ट्रैफिक पुलिस या कहीं भी जो पुलिस रहती है वो आपसे RTO आपसे डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर मांगने लगते हैं। और इनकेस की अगर आपने सिग्नल जंप कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया, और आपके पास जुर्माना भरने का है ही नहीं पैसा, जो पैसा नहीं है तो आपकी एक्चुअली क्या है, पहले तो गाड़ी जब्त होती थी, तो अब गाड़ी जब्त ना करके पेपर जब्त करते हैं, तो आप पेपर ओरिजिनल रखोगे तो जब्त होगा। उसकी जीरोक्स कॉपी वगैरह है सर, अगर बाई चांस पेपर लेके नहीं चलते हैं तो, मतलब हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा आप। अच्छा, जब हार्ड कॉपी दोगे तब वो जब्त होगे करेंगे, है ना। तो ये स्थितियाँ पैदा होती हैं तब कुछ, और ड्रंक एंड ड्राइव हो गया, शराब पीकर वाहन चलाना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं तो यही लापरवाही होती है शराब पी के वाहन चलाने में। अगर आप शराब पी के वाहन चला रहे हैं तो यदि आपके साथ घटना नहीं घटित हुई तो आप किसी न किसी दूसरे के साथ घटित कर दोगे, तो ये बहुत रिस्की है। तो ऐसी स्थिति में भी आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। और जहाँ जहाँ लाइसेंस, चार पांच केसेस आपको बता दें, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वाला, और आपका सिग्नल जंप, इसमें सीधे आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है। लाइसेंस सस्पेंड होता है तो फिर आपको लाइसेंस की आवश्यकता दीजिए भाई, लाइसेंस ऐसा हो तो कुछ। अगर आप गलती नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी कागज़ लेके ना चलूँ, साथ में मेरे मोबाइल पे जो रखा हुआ है डॉक्यूमेंट वही सेव रहे, वही चले, और जहाँ भी कोई देखे मैं वही दिखा दूँ, तो प्लीज़ आप गलतियाँ ही मत करो, जो मैंने बताया वो गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। और एक डाउट और रहता है लोगों में, कई लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा है कई बार कि सर प्लीज़ बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक पुलिस के हाथ में दे दें। तो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ में दीजिए, आप अपने गाड़ी में बैठे बैठे भी और उसको दिखा सकते हैं, आपको तो दिखाना है ना, आपको ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ट्रैफिक पुलिस ने बोला है कि लाइसेंस दिखाइए, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो इसको चलाने के लिए, तो आपको दिखाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके हाथ में ही दें। तो ये सारी बातें थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं, तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर ये समझ में आया। तो मैं ये मानता हूँ और ये मैं चाहता भी हूँ कि देश के हर एक पर्सन के, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में मेरी बात पहुंच सके और मैं अपनी डायरेक्ट बात उन तक पहुंचा सकूं, ताकि कई जाने बच सके मेरे दोस्तों। जय हिंद।